बहुत बड़ा दर्द भरी ये दास्तान है स्कूल की, जहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान है तो हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं मेथ हाई स्कूल जाते हैं, यहाँ पे एकेडमी खुले हैं, यहाँ पे एकेडमी के जो बच्चे आते हैं रोजाना हमारे गांव के लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है बच्चों को ये नाला क्रॉस करवाने, क्योंकि वो सुबह भी यहाँ पे आना पड़ता है उनको बच्चों को नाला क्रॉस करवाने और शाम को भी यहाँ पे बच्चों को नाला क्रॉस करवाने आना पड़ता है, और यहाँ पे पुल है ही नहीं। ये बहुत बड़ा नाला जो है ये नाला बहुत बड़ा है, ये जब आज तो इसमें पानी कम है और पानी आज ये बढ़ता जा रहा है और बाद में ये इसके ऊपर से इस टहनी के ऊपर से पानी चला जाएगा और यहाँ पे कोई चलने के लिए सुविधा नहीं है, और ये पुल ये एक टहनी टूटी है चिनार की पेड़ की, तो उसको साइडों से लोगों ने सपोर्ट लगाई तो नाला क्रॉस करने की शक्ल में है, तो यहाँ पे ये जो पुल है यहाँ पे बहुत बड़ा पुल हुआ करता था और ये नाले से चला फ्लड से चला गया था, और ये जो पुल है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की कनेक्टिविटी है, ये राम गाड़ी के मेज के नाले में ये जो पुल है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की कनेक्टिविटी है, आना जाना या इसी पुल से हो, लेकिन यहाँ पे पुल का नाम और निशान नहीं है और हमारे बच्चों का तालीम का इतना नुकसान पड़ रहा है कि 6 महीने तक वो बच्चे तालीम की स्कूल नहीं जा पाते हैं इस पुल की वजह से, और 6 महीने जब बारिश में पड़ती हो तो यहाँ पे नाला क्रॉस नहीं होता, बच्चे घरों में रह जाते हैं और हमारा जो हाई स्कूल